So hi everyone and welcome to my channel. Before starting the lecture, subscribe the channel. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इससे पहले मैंने आपको दो लेक्चर बताए थे अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे. उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पहले नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है. अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा मैंने बताया था कि ये जो रूट हेयर है यहाँ से एंटर होते हैं राइजोबियम और इस तरह से यहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, ये पहला स्टेप था. ये पहला स्टेप है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए. सेकंड स्टेप इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमोनिया में. ठीक है, अब हम यही देखते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है. तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जिसकी वजह से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजिनेज एंजाइम. ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये किस में प्रेजेंट होता है. हम राइजोबियम की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया था ये जो राइजोबियम है जो एंटर हो रहे हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स में बेसिकली क्या है, ये बैक्टीरिया है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम. ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसी की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. अब इसकी हम थोड़ी बहुत कंपोजिशन देखते हैं कि इसकी क्या कंपोजिशन है. तो ये बना होता है टू सब यूनिट्स का, आयरन आयरन एंड मॉलिब्डेनम. ठीक है, ये जो होता है दिस इज नॉन हीम प्रोटीन. ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है. नाइट्रोजिनेस की एक तो ये प्रॉपर्टी आ गई. नंबर सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये एक्ट करता है इन एन एरोबिक कंडीशन में. मतलब इसके आसपास ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो उस टाइम ये एक्ट करता है. ओके, तो ये हो गया नाइट्रोजनस फर्स्ट रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन की कि हमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम चाहिए, इसका कंपोजिशन क्या है और ये किस कंडीशन में एक्ट करता है. ओके, नंबर सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, वो है लैक हीमोग्लोबिन. ठीक है, ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में. इसी वजह से, इसी रीजन से जो लेग्यूमिनस प्लांट है एंड राइजोबियम है उनका एसोसिएशन होता है. राइजोबियम के पास है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, विच एक्ट्स इन एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. और लेग हीमोग्लोबिन जो है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. अब इसका क्या काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पिंक इन कलर, इट इज पिंक इन कलर. दूसरा काम इसका ये होता है इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. स्कैवेंजर का मतलब होता है इस ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है. ठीक है, विच इज द जो पहला जो रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन वहां पे होना ही नहीं चाहिए, तब जाके नाइट्रोजिनेज एक्ट करेगा. तो जब ऑक्सीजन का इसने यहां सफाया कर दिया तो नाइट्रोजिनेज इजिली जो है वो, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो अब इजिली नाइट्रोजिनेज एक्ट करेगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन को ये रिमूव करता है. ओके, नंबर थर्ड रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन डोनर की, क्योंकि हम अमोनिया बनाने जा रहे हैं NH3, दैट मीन्स कि H की जरूरत पड़ेगी. तो ये H कहाँ से आएगा, ये आएगा फ्रॉम स्क्रोज ग्लूकोज पायरुविक एसिड और बाकी कंपाउंड से. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए इसमें तो उसको डोनेट करने के लिए ये सब चीज़ें रेडी हैं. नंबर फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ATP विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो उसके लिए, तो कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो उसके लिए ATP का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ATP जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी की वजह से कोई रिएक्शन चलती है. तो ATP चाहिए. और नंबर लास्ट जो है कार्बन कंपाउंड्स. अब इसका क्या काम है, जब अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है, जब अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा फिर ये अमोनिया जो है इन कार्बन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाके बाकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आगे जो है अमोनिया
असिमिलेट होगा, यूज होगा प्लांट से, वो अलग टॉपिक है असिमिलेशन का. तो ये हो गई रिक्वायरमेंट. पहली तो हमने देखी नाइट्रोजनेज विच इज प्रेजेंट इन राइजोबियम, लेग हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स, एंड इट एक्ट्स एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर. और फिर हाइड्रोजन डोनर जो कि यहाँ से आता है, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कार्बन कंपाउंड्स जिससे कि आगे चलकर जो अमोनिया है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा. तो ये हो गई इसकी रिक्वायरमेंट्स. अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम है वो किस तरह से एक्ट करता है. तो ये है हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम, ठीक है. ये दो सीड्स है इसकी और यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा नाइट्रोजन एन टू, और इसके रहे ये तीन बॉन्ड्स, ठीक है. और तो इसकी तीन बॉन्ड्स है ये. अब क्या होगा, एक एंजाइम है हाइड्रोजिनेज. हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और इसके साथ ही अटैच हो जाएगा. किस तरह से, ऐसे H. तो मैंने पहले ही कहा कि रिक्वायरमेंट क्या है हाइड्रोजन डोनर की, वो हमने देख लिया कि हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, वो हमने देख लिया. अब यहाँ पे अटैच हो गया, लेकिन इसका जो एक बॉन्ड है, वन ऑफ द बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन जो मिल जाएंगे उससे ये बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन. हो गया ये. अगेन क्या होता है, फिर से ये जो हाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये फिर एक्ट करेगा. और अब क्या होगा, फिर से अगेन सिंपल रिएक्शन है, फिर से एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक और हाइड्रोजन, मतलब NH2 NH2. अब हम अमोनिया के बस एक हाइड्रोजन की कमी है. तो फिर से अगेन हाइड्रोजिनेज एंजाइम, और अगेन यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से NH3. क्या बन गया यहाँ पे, NH3 बने. लेकिन कितने मॉलिक्यूल बने अमोनिया के, दो, टू ट्वाइस NH3. तो ये जो अमोनिया है, अब मैंने एक और बताया था कि कार्बन कंपाउंड्स, एक और रिक्वायरमेंट है कार्बन कंपाउंड्स की. वो जो कार्बन कंपाउंड्स है वो इसके साथ, अमोनिया जो है वो इन कार्बन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट होगा, फिर आगे जाके फर्दर जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है. तो ये जो हमारा अमोनिया है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये हमने देख लिया. अब ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम है, यहाँ पे टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है और फिर हाइड्रोजनस एंजाइम यहाँ पे एक्ट होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आएंगे, फिर अगेन हाइड्रोजनस एंजाइम इसमें एक्ट करेगा और फिर से दोबारा हाइड्रोजन एक और ऐड हो जाएगा, और फिर से अगेन यहाँ पे तीन जो है हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे. दैट मीन्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जो है प्रोड्यूस हो गए. ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का. अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप जो है इसका नाइट्रिफिकेशन का, वो हम देखते हैं अभी. ओके, हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नेक्स्ट स्टेप है, वो है नाइट्रिफिकेशन. नंबर सेकेंड स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. इसमें क्या होता है, अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स. सिंपल है, नाइट्रिफिकेशन का मतलब है अमोनिया जो है वो नाइट्राइड्स में कन्वर्ट होता है एंड नाइट्रेट्स में. लेकिन उससे पहले क्या होता है, अमोनिया जो है कन्वर्ट होता है इनटू अमोनियम आयंस में, ठीक है. सबसे पहला स्टेप है अमोनिया जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बनाएगा नाइट्राइट. नाइट्राइट बनाएगा प्लस वाटर, ठीक है. नाइट्राइट प्रोड्यूस हो गया. अब जो है ये इस टाइम अनस्टेबल रिएक्शन है, ठीक है, स्टेबल रिएक्शन है, अनस्टेबल रिएक्शन है. अगेन जो नाइट्राइट है NO2 है, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ये क्या बनाएगा, नाइट्रेट. नाइट्रेट हो गया NO3 प्लस वाटर.
सिंपल है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया क्या होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, लेकिन उससे पहले अमोनिया जो है वो अमोनिया अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर फिर इसमें नाइट्राइट में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, और ये जो नाइट्राइट है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिर से नाइट्रेट में होगा। तो ये जो है ये फॉर्म प्लांट्स यूज करती है, कैसे करती है वो हम सेपरेट जो टॉपिक होगा एसिमिलेशन उसमें हम पढ़ेंगे, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रेट नाइट्राइट उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से एसिमिलेशन होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पे फिलहाल हमने देखा किस तरह से ये, लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में एक और एजेंट होता है जिसका काफ़ी पार्टिसिपेशन होता है, वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रो कोकस, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, ये होते हैं नाइट्रोसोमोनास। ये जो एग्जाम्पल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, खासकर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उससे पूछी जाती है कि जब नाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्राइट बनता है तो उस टाइम कौन से बैक्टीरिया जो है इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, ये दो याद रखने आपको। फिर अगेन जब नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में उस टाइम जो बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होता है हेल्प करता है इस चीज़ में उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब आपको याद रखना है जिस टाइम नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है उस टाइम कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोबैक्टर, फिर बाद में ये एसिमिलेट होते हैं, तो ये है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसीजर, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अमोनिफिकेशन, तो वो हम देखते हैं किस तरह से होता है, ओके। अब हम देखते हैं अमोनिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया में। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है हमारे पास, जैसे कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, उसमें कोई लीफ आया, फ्लावर्स आए, वुड है, कुछ भी आया जिसमें ऑर्गेनिक हो कंपोजिशन, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स हो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सब हो, वो जब डिके हो जाते हैं उनका जो वेस्ट है वो भी कन्वर्ट होते हैं किसमें, अमोनिया में, ओके। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे एनिमल्स का जो जो एक्सक्रीट करते हैं उसमें भी नाइट्रोजनस ये वेस्ट होता है वो भी कन्वर्ट होता है इनटू अमोनिया में। तो इसमें जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट में आया यूरिया आया, यूरिक एसिड आया, ये सब चीज़ें जो है इसमें कन्वर्ट होती हैं। तो आपने देखा होगा कि यूरिया जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो किसके लिए, ताकि वहाँ से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट यूटिलाइज कर सके। तो ये सब चीज़ें किसमें यूटिलाइज होती, किसमें कन्वर्ट होती हैं, अमोनिया में। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट में से यूरिया आया, यूरिक एसिड आया, जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू अमोनिया में इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। और फिर अमोनिया जो है ये फर्दर किसमें कन्वर्ट होता है, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्लांट्स को एसिमिलेट करेगा। तो एसिमिलेशन कैसे होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, नाइट्रोजिनेस के बारे में, और फिर उसके बाद हमने देखा अबाउट दिस नाइट्रिफिकेशन के बारे में, अमोनिफिकेशन के बारे में। तो जो एसिमिलेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स।